सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, सब्जियों का राजा आज मेरे हाथ में आ चुका है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जियों का राजा इसका दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को नाम तक बताने का ज़रूरत होगा, क्योंकि दोस्तों इसका नाम सबको पता है कि दोस्तों ये मेरे हाथ में आज आलू है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आलू से हम लोग दाढ़ी कैसे उगा सकते हैं। और दोस्तों, आलू के साथ भी हमें कुछ चाहिए दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता नहीं कि दोस्तों आप लोगों का रत्ती भर भी दोस्तों टाइम बर्बाद करूं। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बेसन सतुआ। अगर आप लोग ये समझ रहे हो तो भैया जी आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये है मुल्तानी मिट्टी, जो कि दोस्तों अभी अभी मैंने खरीद के लाया है। और इसे दोस्तों इस कैंची के मदद से दोस्तों छपाछप दोस्तों यहाँ से कटिंग किया है। अगर दोस्तों आप लोग को विश्वास नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग डिब्बा भी देख सकते हो, और इसी डिब्बा से दोस्तों ये मुल्तानी का मिट्टी मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए दोस्तों निकाला है, सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे दोस्तों नहीं मिलेगा कि दोस्तों आपको आलू से दाढ़ी उगाने के लिए बताएंगे। और दोस्तों आलू से दोस्तों उगाने का मतलब दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि दोस्तों घर में ही बैठे बैठे दोस्तों आप दाढ़ी उगा लीजिएगा, बाहर निकलिएगा तो लोग कंफ्यूज क्या है इसका दाढ़ी किससे आ गया। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये तो दोस्तों मुल्तानी का मिट्टी और आलू तो दोस्तों आपको चाहिए ही, और दोस्तों सबसे मेन चीज़ दोस्तों आपको ये दोस्तों आलूबीरा चाहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये आलूबीरा का दोस्तों जो जेल है दोस्तों आपको ये चाहिए, ना कि दोस्तों ये ऊपर वाला हरा हरा पत्ता। तो दोस्तों आपको दोस्तों इतना बड़ा दोस्तों इस साइज का दोस्तों आपको आलूबीरा चाहिए, जैसे कि दोस्तों आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हो। तो दोस्तों इस आलूबीरा का दोस्तों क्या करना है कि दोस्तों आपको इसका दोस्तों लिक्विड दोस्तों इस ग्लास में दोस्तों निकाल लेना है, और उसी ग्लास में दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों ये आलू जो है दोस्तों आलू को दोस्तों आपको उसी ग्लास में दे देना है, और दोस्तों उसी में आपको ये आलूबीरा का दोस्तों लिक्विड निकाल देना है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट से इसका दोस्तों लिक्विड निकाल लेता हूँ आपके सामने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और दोस्तों आपको दोस्तों आलू इसी प्रकार से दोस्तों पूरा एकदम पूरा ले लेना है। और दोस्तों पूरा लेना इसलिए है ताकि दोस्तों इसका अगर छिलका उल्का नहीं छिलेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग खाते तो हैं छिलका सहित, मतलब छिलका हटा के, लेकिन दोस्तों लगाने में क्या दिक्कत है, हम लोग छिलका सहित लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ या। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आलूबीरा का दोस्तों रस और दोस्तों आलू सभी को दोस्तों मैंने ग्लास में निकाल लिया है। और दोस्तों इसी में दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको ये मुल्तानी मिट्टी दोस्तों आपको दो चुटकी इसी में दोस्तों मिला लेना है, ऐसे करके दोस्तों आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसी में मिला लिया है, और दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो कि दोस्तों आपको मिलाना है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो भी चीज़ मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे आज तक कभी नहीं आप लोग देखे होंगे। तो दोस्तों चलिए आपको मैं अगला चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसे बोलते हैं एवियन 400, जो कि दोस्तों विटामिन ई का दोस्तों कैप्सूल है, जो कि दोस्तों आज ही मैंने केमिस्ट्री के दुकान से दोस्तों लाया है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको दोस्तों इसी ग्लास में मिला लेना है। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि दोस्तों आज जब मैंने केमिस्ट्री के दुकान पे दोस्तों ये ख़रीदने के लिए गया तो दोस्तों वो मेरा मतलब कि दाढ़ी दोस्तों ऐसा देख के वो चौंक गए कि आप तो सब दिन दाढ़ी रखते थे, ये दाढ़ी क्यों उड़ा लिए। तो मैंने बोला मैंने अपने सब्सक्राइबर भाई लोगों के लिए ये दाढ़ी उड़ा लिया है, क्योंकि दोस्तों आज मुझे एक वीडियो बनाना है। मैंने उनको ऐसा बोला मुझे एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने दाढ़ी कैसे उगाया है, तो भाई साहब ऐसे उगाया है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि एक एवियन 400 का दोस्तों कैप्सूल मिला लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट एवियन 400 का दोस्तों कैप्सूल भी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एवियन 400 का कैप्सूल दोस्तों ले लिया, और दोस्तों इसको भी दोस्तों आपको इसी में दोस्तों मिला लेना है कुछ इस प्रकार से, दोस्तों आपको मिला लेना है, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ दोस्तों जिसे दोस्तों हमारी मम्मी लोग हमें गलती करने पर दोस्तों धोती है पीटती है, उससे दोस्तों आपको ले लेना है, कहने का मतलब दोस्तों चौकला और बेलना जो होता है दोस्तों बेलना लेके दोस्तों आपको इन सभी चीज़ को दोस्तों कूट लेना है, पकड़ के धब धबा के दबा धब धबा के दोस्तों
कुट लेना है। और दोस्तों जो चीज़ मैं दोस्तों आपको ये तरीका जो दोस्तों बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताऊँगा दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको दोस्तों। शिव चर्चा का आवाज़ आ रहा होगा, आज मेरे गाँव में दोस्तों शिव चर्चा हो रहा है। और दोस्तों शिव चर्चा के ही दिन दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोस्तों मेरा वीडियो पर थोड़ा बहुत आप लोगों का प्यार आए, कहने का मतलब दोस्तों लाइक वाइक आए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं फटाफट कूट लेता हूँ और कूट के दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा बन गया है और इसे लगाना कैसे है, हम लोगों को अपने गालों पे अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कूट लिया है क्योंकि दोस्तों मेरे घर में मिक्सी नहीं है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसे ऐसे कूटा है। अगर दोस्तों आप लोग के पास मिक्सी है तो दोस्तों आप लोग मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग देख सकते हो कूटने में मेरे हाथ में भी लग गया, लेकिन दोस्तों इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि दोस्तों मैं इसे ऐसे ही अपने गाल में दोस्तों लगा लेता हूँ। और दोस्तों क्या बताएं आपको दोस्तों, पीछे में दोस्तों हर हरी है ना दोस्तों, चींटियों काट रहा है आज ये वीडियो बनाने के दिन में। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं दोस्तों, चींटी को काटने दीजिए। तो दोस्तों इसे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने गालों में दोस्तों लगाना है और दोस्तों कुछ दिन लगाना है, उससे दोस्तों आपको दोस्तों खुद ही फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें दोस्तों सारा चीज़, ऐसा एक चीज़ नहीं है दोस्तों जो हमारे गालों के लिए दोस्तों ऐसा जो चाहिए वो इसमें ना हो। तो दोस्तों इसमें सब कुछ है दोस्तों, विटामिन ई हम लोगों की दाढ़ी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, ये मुल्तानी मिट्टी जो कि दोस्तों हमारे गालों को दोस्तों, हमारे ये कपार को दोस्तों गोरा बनाने का काम करता है, एलोवेरा आलू जो कि दोस्तों हमारे गाल को दोस्तों ठंडा रखने का, साफ सफाई रखने का दोस्तों काम करता है। तो दोस्तों पूरा लगा लेना है ऐसे करके आपको दोस्तों, लगा के दोस्तों इसे दोस्तों लगभग दोस्तों आधा एक घंटा के लिए दोस्तों ऐसे ही छोड़ देना है। आप लोग दोस्तों देख सकते हो मैं अपने कपार में भी दोस्तों लगा रहा हूँ। कपार में दोस्तों लगाने का फायदा ये है ना दोस्तों कि दोस्तों दाढ़ी तो आपका आएगा ही दोस्तों, लेकिन साथ में दोस्तों आपका कपार भी दोस्तों चिकना जाएगा, एकदम गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको कपार में भी लगा लेना है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे अबे साहब दाढ़ी तो यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे क्यों लगा रहा है। तो दोस्तों दाढ़ी दोस्तों आज तक आप कभी देखे हैं कि दाढ़ी किसी का कपार पे आ गया है? तो दोस्तों दाढ़ी बस दोस्तों जो दाढ़ी का एरिया है बस वहीं पे आएगा। आपको दोस्तों ये कपार को दोस्तों गोरा रखने के लिए, चिकना बनाने के लिए दोस्तों आपको कपार पे लगाना है, और दाढ़ी तो दोस्तों इस एरिया में आ ही जाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें सब गुण है जो कि दोस्तों हमारे दाढ़ी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूरा अपने गालों में एकदम लपेट के दोस्तों लगा लेना है, और दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो। और दोस्तों ये दोस्तों लगा के दोस्तों आप लोग ऐसे ही दोस्तों दो तीन घंटा के लिए छोड़ दो, उसके बाद दोस्तों जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों गुनगुना पानी से दोस्तों आपको धो लेना है, कोई साबुन शैम्पू नहीं करना है, और दोस्तों धो के ऐसे ही छोड़ देना है। आप दोस्तों चाहे तो दोस्तों इसे आप लोग रात में भी लगा के अपने गालों के ऊपर छोड़ सकते हो और सुबह में धो सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।